कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है, आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संविधान के प्रियम्बन में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको, मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, नेहरू, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमज़ोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शास्त्र कोई किताब उठा करके देख लीजिए, जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुना गणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पर समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ।